अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का? आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? शुक्र वालेकुम अल्लाह का, अस्सलाम। बिल्कुल यस मैम। सलाम हाँ मैम जी, आ रही है आवाज। आज तुम लोगों का लेक्चर शॉर्ट ही है। अच्छा पहले मुझे बताओ, पिछला लेक्चर तुम लोगों ने पढ़ा था? यस मैम समझ आया था? जी मैम। रिकॉर्डिंग मैंने तुम लोगों को आज सेंड की है ना? जी मैम, चलो ठीक है, इसको ना डाउनलोड यस कर मैम, पढ़ लो। लेंगे आप। जी मैम, मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। डाउनलोड करके सेव कर लो सब। ओके मैम। मैम आप यूट्यूब पे नहीं देंगी? बेटा वो मैंने सीबीएस की देनी है ना, एएनएस की। आप लोग साथ साथ सेव करते जाओ। ओके मैम। अच्छा आज ना थोड़ा सा हमारा शॉर्ट ही लेक्चर है, इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, लेंथी नहीं है। We are going to start our lecture. Screen visible हो रही है आप लोगों को? जी मैम, अभी शेयरिंग जी स्टार्ट। मैम, शेयरिंग का वो बताए कि करें। क्या बेटा? मैम अभी शो नहीं हो रही, जस्ट वो दिखा रहे हैं कि शेयरिंग हो रही। लोडिंग मैम। मेरी तरफ से तो शेयर होगी आपको। अब आ रही है? नो मैम, लोडिंग पे है। लोडिंग पे है। ठहरा, मैं दोबारा करती हूँ। नाउ गाइस, यस मैम, हो गई? जी यस मैम, अब हो रही है इशू। चलो, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू एएनएस पढ़ लिया था। अब हम लोगों ने क्या करना है कि एएनएस में हमने पढ़े थे दो सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम एंड वन इज पैरासिंपैथेटिक सिस्टम। जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो फर्दर हमने, यानी कि सिंपैथेटिक एक्टिवेटर पढ़े हैं और सिंपैथेटिक ब्लॉकर पढ़ने हैं। ठीक है, तो जो एक्टिवेटर है उनका नाम हमने पढ़ा था कि सिंपैथेटोमिमेटिक्स ड्रग्स होती हैं या फिर एडिनोमिमेटिक्स ड्रग्स होती हैं। ठीक है, अब ये कैसे एक्ट करती हैं? सबसे पहले आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सिंपैथेटोमिमेटिक्स जो सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए ड्रग्स होती हैं, ये क्या करती हैं? ये करती है कि या तो डायरेक्टली आपके, इन्होंने क्या करना होता है, आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो सिंपैथेटिक सिस्टम के लिए एक्ट होता है, दैट इज एपिनेफ्रीन। ठीक है, और नोर एपिनेफ्रीन, या तो ये डायरेक्ट उसके ऊपर एक्ट करके उसकी सिंथेसिस को इंक्रीज कर देती हैं, या ये क्या करती हैं कि ये इनडायरेक्टली जो है ना वो एक्ट करती हैं और उसकी सिंथेसिस को ना इंक्रीज करती हैं। ठीक है,
उसके रीअपटेक को स्टॉप करती हैं। एक मिनट ठहरो बच्चों, मैंने आपको ये मैकेनिज्म दिखा दूं जरा। एक मिनट ठहरो बच्चों, मैं आपको ये दिखाती हूँ आप लोगों ताकि समझ आ जाए। मेरी स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है? यस मैम। यस मैम। अच्छा ये देखो, ये आपका जो है ना, डेट इज योर आई थिंक सो जूम होगी या नहीं होगी। चलो देखते हैं, अगर जूम हो जाती है तो गुड फॉर अस, नहीं हो रही तो ओके, नहीं हो रहा। ओके बेटा, दिस इज योर, ये क्या है, ये आपका जो है ना नर्व टर्मिनल्स है। दिस इज योर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दिस इज योर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये वेजिकल्स हैं, ठीक है। अब ये वेजिकल्स जो है ना, इनके अंदर क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं। कौन से होते हैं? एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन। ये किसके लिए होते हैं? ये सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए होते हैं। या तो हम ऐसी ड्रग्स देंगे, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे, आप लोगों के ऐसी ड्रग्स देंगे जो डायरेक्टली एक्ट करेंगी। डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स क्या करेंगी, इसके न्यूरो ट्रांसमीटर की रिलीज को ना इंक्रीज कर देंगी। यहाँ पे वेजिकल पे एक्ट करेंगी और रिलीज को इंक्रीज करती जाएंगी, ठीक है। जब यहाँ पे आते हैं ना न्यूरो ट्रांसमीटर, जब यहाँ पे रिलीज होते हैं तो साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जहाँ पे साइनेप्सिस होती है वहां पे रिलीज होते हैं, और परी साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर ना जाके बाउंड होते हैं, ठीक है। और उसमें से जो होते हैं, कुछ जिनके रिसेप्टर्स फ्री होते हैं वो बाउंड हो जाते हैं, अदर जिनके रिसेप्टर्स फ्री नहीं होते वो जो होते हैं ना, वो वहां से जो होते हैं ना डिस्पोज हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो होता है ना, दिस इज योर डायरेक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इनडायरेक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में एगोनिस्ट में आती है एम्फिटामाइन और कोकेन ड्रग आती है, ठीक है। अब ये क्या करती है कि ये करती है इनडायरेक्ट मैकेनिज्म कैसे करती है कि जो आपके जो न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं उनकी रिलीज को ये इंक्रीज करती है। लेकिन यहाँ पे ये क्या करती है, जो यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज होते हैं, यहाँ पे जो बच जाते हैं, जो रिसेप्टर्स के साथ अटैच नहीं होते, वो उनको ना रीअपटेक करती है और दोबारा से वेजिकल फॉर्म में बना के दोबारा रिलीज करवाती रहती है। दिस इज योर इनडायरेक्ट मैकेनिज्म। और मिक्स्ड होता है एफिड्रीन एक ड्रग होती है या फिर सुडो एफिड्रीन होती है, वो जब एक्ट करती है वो दोनों तरीके से एक्ट करती है। वो किस तरह करती है, न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज भी ज्यादा करवाती है और रीअपटेक भी ज्यादा करवा देती है, ठीक है बेटा। समझ आ गई है इस मैकेनिज्म की? मैम इनडायरेक्ट बताइएगा दोबारा। इनडायरेक्ट जो होते हैं ना, यहाँ पे जब साइनेप्सिस मेम्ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है, जितना रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है, अदरवाइज जो होता है ना वो वेस्ट में चढ़ा जाता है। तो जो इनडायरेक्ट होती है वो उसको वेस्ट में भेजने की बजाय दोबारा यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं उनके, वो दोबारा जो है ना उसे अपटेक कर लेती है, दोबारा उसका एक वेजिकल बना के दोबारा उसे रिलीज करवाती है। क्या बेटा बता दो? मैंने मिक्स वाला ही अभी बताया। मिक्स जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को भी इंक्रीज करवाता है और यहाँ से रीअपटेक को भी इंक्रीज करवाता है। दोनों सिस्टम जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले हैं ना, वो कट्ठे एक्टिवेट हुए होते हैं उसमें।
ओके दिस इज जो डायरेक्ट पे एक्ट करती है वो एपिनेफ्रीन होती है, नॉन एपिनेफ्रीन होती है. नॉन एपिनेफ्रीन जो होती है ना वो न्यूरोट्रांसमीटर भी और ड्रग का नाम भी है. और जबकि जो इनडायरेक्ट के ऊपर एक्ट करती है ना जो उसके जो उसकी जो रीअपटेक वगैरह उसको वो इंक्रीज कर देती है वो आपकी होती है एम्फेटामिन. मिक्स जो होती है वो बहुत तरीके से ड्रग एक्ट करती है वो होती है एफीड्रीन. ठीक है ये इनके नेम जो है ना ये याद रख लेने. फिर उसके बाद वी आर मूविंग टुवर्ड्स देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में यही आता है कि ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स जो होते हैं सिंपथेटिक के जो सिंपथेटिक सिस्टम के जो एक्टिवेटर होते हैं उनके ऊपर ये एक्ट कर देती है. अच्छा अब सिंपथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगी तो क्या होगा कि आपकी बीपी के ऊपर क्या असर होगा? सिंपथेटिक इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाता है. और प्यूपल्स क्या करता increase. है डायलेशन. और हार्ट रेट क्या करता है? इंक्रीज इंक्रीज हो जाएगा. और आपके जो लंग्स हैं उनकी क्या हो जाती है? ब्रोंकोडायलेशन. तो हम ऐसी डिजीज में देंगे जहां पे हम लोगों ने पीपल्स को डायलेट करके उसकी स्टडी करनी हो. ठीक है ये बेटा एक टेस्ट होता है जब आप आंखें चेक करवाने जाते हो ना समटाइम वो डिटेल स्टडी के लिए आपके पीपल्स को थोड़ी देर के लिए डायलेट करते हैं. ठीक है ये इसका क्लिनिकल यूज हो गया. फिर उसके बाद ये ब्रोंको डायलेशन करवाते हैं तो हम ऐसी कंडीशन में जैसे कि एस्थमा या कफ की कंडीशन आ जाती है जिसमें ब्रोंक्यूल्स जो है वो कंजेस्ट हुई होती है हम उसमें दे देते हैं. ठीक है अब जो है जिनमें लो ब्लड प्रेशर होता है वहां पे इंक्रीज करने के लिए ब्लड प्रेशर का हम जो है ना ये सिंपथेटोमोमेटिक्स ड्रग्स दे देते हैं. ठीक है जहाँ पे हार्ट रेट कम हो जाती है या आपकी पल्स इरेगुलर आ जाती है हम वहां पे ये ड्रग्स जो होते हैं ना वो देते हैं. बेटा आपको पता है कभी कभी आप लोगों ने वो चीज देखी है कि डायरेक्ट एक इंजेक्शन हार्ट के अंदर जो होते हैं वो इंजेक्ट करते हैं? हाँ जी बिल्कुल एंड स्टेज होती है तो तब हम उसमें ना एपिनेफ्रीन इंजेक्शन के अंदर होती है वो हार्ट रेट इंक्रीज करती है तो वो जो होते हैं ना इंट्राकार्डियल इंजेक्शन होता है. ठीक है वो तब हम उस कंडीशन में देते हैं. अब इसके क्लिनिकल यूजेस सबको क्लियर हो गए? यस मैम. ये जो लिखा हुआ है इनडायरेक्ट एक्टिंग में लिखा हुआ है ब्लॉक द रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन इसका क्या मतलब है? अच्छा ये वाला मैकेनिज्म की बात कर रहे हो? यस मैम ये इनडायरेक्ट एक्टिंग में लिखा हुआ है ब्लॉक इनडायरेक्ट वही वाली बता रही हूं कि जो आपके जो होते हैं ना मतलब कि आपके जो वेस्ट उसमें तो रीअपटेक करते हैं ना यहां लिखा हुआ ब्लॉक करते हैं वेस्ट में चली जाती है ड्रग उसको ये ब्लॉक करती है और दोबारा से उनको वेसिकल की फॉर्म में जमा करके दोबारा से अटैच करवाती है आपके रिसेप्टर्स के ऊपर. ठीक है इसकी ना अमार मुझे बताना कि इसकी वीडियो भी एक मेरे पास पड़ी हुई है वो मैं वीडियो भी दिखा दूंगी आप लोगों को. ओके मैम. ओके देन साइड इफेक्ट में यही आ जाता है कि ये हाइपर जो है ना एक्टिविटी यानी कि रिएक्शन प्रोड्यूस कर देती है और इसके साइड इफेक्ट इतने कोई खास नहीं. अच्छा अब वो कहते हैं सिंपथेटोमोमेटिक्स ड्रग्स में एक होती है सिलेक्टिव और एक होती है नॉन सिलेक्टिव. नॉन सिलेक्टिव जो होती है ना वो सारे रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती हैं. जो सिलेक्टिव होती है ना वो सिलेक्टिव टू देयर ओनली रिसेप्टर्स होती हैं. ठीक है जैसे अल्ब्यूटरोल एक ड्रग आ जाती है सिंपथेटोमोमेटिक ड्रग है अल्ब्यूटरोल. ठीक है अल्ब्यूटरोल क्या करती है? अल्ब्यूटरोल जो होती है ना वो आपके सिर्फ बीटा टू के ऊपर एक्ट करती है. बीटा टू रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पे होते हैं बताओ मुझे? लंग्स में होंगे लंग्स की डायलेशन करवाएंगे तो क्लिनिकल यूज इसका क्या हो जाएगा? ब्रोंकोडायलेशन. तो क्लिनिकल कौन सी ऐसी कंडीशन में हम ये दे सकते हैं? अस्थमा के पेशेंट को दे सकते हैं. अस्थमा में दे सकते हैं. ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हुई होगी. सीओपीडी के पेशेंट में हम दे सकते हैं. ठीक है यस मैम. साइड इफेक्ट इसके यही आ जाते हैं. अल्ब्यूटरोल लेने से क्या होता है? बीटा टू लेने से डिजीनेस हो जाती है क्योंकि पोस्टरल आपको जो होती है हाइपोटेंशन फील होती है समटाइम.
क्योंकि ये क्या करती है, पेरिफेरल टिश्यू में भी एक्ट करती है. पेरिफेरल टिश्यू में जब एक्ट करती है तो वहां पे हाइपोटेंशन क्रिएट कर देती है, स्लीप प्रॉब्लम हो जाता है, इस तरह की आपको ना चीजें होना शुरू हो जाती है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ड्रग आती है एफिड्रीन. ठीक है, एफिड्रीन जो है ना वो स्टिमुलेट करती है आपके अल्फा और बीटा रिसेप्टर दोनों को. ठीक है, अब अल्फा और बीटा को दोनों करेगी. एफिड्रीन तो नहीं है, एपिफ्रीन है. ठीक है, एक मिनट ठहरो, इसको मैं साथ ही ना ठीक कर. ये बेटा एफिड्रीन है, इसको पढ़ते हैं एफिड्रीन. खैर मैं बाद में ही ना इसको साथ नहीं करूंगा. ठीक है, मैं आपको एडिट करके भेजती हूँ ये ड्रग. ठीक है, अब ये ड्रग जो है ना ये अल्फा पे भी एक्ट करेगी, आपके बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर भी एक्ट करेगी. तो अल्फा और बीटा के जो है ना कंबाइन इफेक्ट मिलेंगे आपको. ठीक है, लेट्स सपोज के अगर आपके जो है ना अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती है. अल्फा रिसेप्टर्स आपने पढ़े हैं पेरिफ्री में होते हैं. ठीक है, पेरिफेरल वेसल्स में क्या कर रहे होते हैं अल्फा रिसेप्टर्स? हम कंट्रैक्शन कराते हैं. और आपकी जो अल्फा रिसेप्टर्स जो होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं? मैम हार्ट में होते हैं और स्मूथ मसल्स वगैरह इसमें होते हैं. स्मूथ मसल्स में होते हैं. बीटा रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ होते हैं? बीटा वन का बीटा वन जो है वो हार्ट में होता है. बीटा टू जो होते हैं जो अभी आप लोगों ने पढ़े थे वो लंग्स के अंदर होते हैं, लंग्स और लीवर के अंदर. ये इनके कंबाइन इफेक्ट होते हैं. अच्छा, कंबाइन इफेक्ट में क्या करते हैं कि ये जो है ना ब्लड वेसल है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती हैं. ठीक है, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देती हैं और ये जो है ना ये स्वेलिंग वगैरह के रिएक्शंस जो होते हैं ना उनको ये नहीं होने देती. क्यों, किस तरह स्वेलिंग के रिएक्शंस होते हैं? स्वेलिंग के रिएक्शंस होते हैं कि जब आपको हाइपर सेंसिटिविटी होती है फलानी जगह पे जो होती है ना इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो जाती है. ये इन्फ्लेमेशन जो होती है ना वो नहीं होने देती. ठीक है, हम इसको एनाफाइलेक्टिकली देते हैं. एनाफाइलेक्सिस मेडिसिन की आइडिया है क्या होता है? यस मैम, वो जो जनरली पूरे बॉडी को सप्लाई बेटा एनाफाइलेक्सिस मेडिसिन ऐसी होती है जो आपके बॉडी के अंदर जो एनाफाइलेक्टिक जब शॉक आता है तो उसमें आपको देते हैं, ये उसकी कंडीशन को रोकती है. ठीक है, उसमें हम दे देते हैं. एलर्जिक रिएक्शंस के लिए भी होता है ये. एलर्जिक रिएक्शंस के लिए भी देते हैं हम लोग एनाफाइलेक्सी के लिए जो होते हैं ना, शॉक की कंडीशन होती है जो एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है बॉडी में उसकी कंडीशन के लिए हम लोग ये देते हैं. ठीक है, अच्छा बेटा, उसके बाद ये कार्डियक अरेस्ट में देते हैं. कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है मुझे बताओ, कार्डियक अरेस्ट की क्या मतलब समझ आते हैं? मैम ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती है वो, और ब्लड सप्लाई जो है वो रुक जाती है. हार्ट रेट जो होती है वो बंदे की डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और कार्डिक फेलियर की तरफ बंदा जो होता है मूव करना शुरू कर देता है. ठीक है, तो कार्डिक अरेस्ट में हम देंगे क्योंकि ये बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती है. बीटा में सिंपैथेटिक फ्लो जो होता है हार्ट रेट वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक है बेटा, ये क्लिनिकल समझ आ गया? जी मैम. अच्छा, अब इसके साइड इफेक्ट में क्या होता है? आप लोगों ने बीटा रिसेप्टर्स पढ़े थे ना जो आपके CNS के ऊपर भी एक्ट करते हैं. यस मैम. नर्व टर्मिनल के ऊपर एक्ट करते हैं. अब ये क्या करेंगी, ये वहां पे जाके ना आपके CNS के ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी. आपको एंजाइटी होगी, स्लीप डिसऑर्डर हो जाएगा, नर्वनेस हो जाएगी आपको. मतलब कि ना एक स्लीप पैटर्न जो आपका रेगुलर होता है ना वो रहता नहीं है. इसलिए जो बीटा एगोनिस्ट होती है ना ड्रग्स, या फिर जो अल्फा एगोनिस्ट होती है, बीटा एगोनिस्ट, ये कंबाइन जो होती है ना जितने भी सिंपैथेटिक ड्रग्स होती है इनके विड्रॉल बहुत ज्यादा होते हैं. हम एकदम नहीं बंदे को छुड़ा सकते. ठीक है जी मैम. अच्छा, नेक्स्ट आपकी ड्रग आती है डोपामीन. अच्छा, अब डोपामीन जो होती है ना, डोपामीन वो अल्फा रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करती है, बीटा रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करती है. जस्ट लाइक अ प्रीवियस, इसका भी वही तकरीबन क्लिनिकल होते हैं. हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करवा देगी. ठीक है, वेसल्स को कंट्रैक्ट करवा देगी, हार्ट रेट इंक्रीज कर देगी.
डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में पता है क्या होता है? एक डोपामिन बॉडी भी प्रोड्यूस करती है ना, न्यूरोट्रांसमीटर एक तो ड्रग होती है और एक बॉडी प्रोड्यूस करती है। हैव यू एवर नो अबाउट डोपामिन, क्या उसका फंक्शन क्या होता है? बेटा डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर किस लिए होता है बॉडी में? मैं मूवमेंट को स्टिमुलेट करने के लिए। बेटा एक्साइटेशंस जब होती है ना, आप लोगों को एक्साइटमेंट्स की फीलिंग होती है, तब डोपामिन जो होती है ना वो बहुत प्रोड्यूस होती है, ठीक है? जिसकी वजह से जैसे एक्साइटमेंट में हार्ट रेट बढ़ जाना, दिस इज ड्यू टू द डोपामिन इफेक्ट। मैंने खुशी, जब खुशी हो रही होती है तब भी कहते हैं डोपामिन का थोड़ा इफेक्ट होता है। हाँ, तब डोपामीन का ना रिलीज होती है, तब डोपामीन का जो होता है वो इफेक्ट होता है, ठीक है? ये हार्ट रेट जो है ना इंक्रीज हो जाती है, ठीक है? अब डोपामीन आप ड्रग दे रहे हो, वो जाके आपके अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट कर रही है, आपके सिंपथेटिक सिस्टम्स को एक्ट करवा रही है। सिंपथेटिक सिस्टम में क्या करवा रही है? आपकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी ऑफ हार्ट जो है वो इंक्रीज करवा रही है, आपके हार्ट रेट को ज्यादा करवा रही है, ठीक है? अब हम कैसी कंडीशन में देंगे ये हार्ट रेट को इंक्रीज जो करवा रही है? ऐसी कंडीशन में देंगे जहां पे हार्ट रेट जो है ना वो कम हुआ हो, जहां पे हार्ट जो है वो फेलियर की तरफ मूव कर रहा हो, ठीक है? हाइपोटेंशन में हम दे देंगे, शॉक में हम दे देंगे, ट्रोमा में ऐसे ही दे देंगे जब हार्ट रेट कम हो जाता है, ठीक है? ब्लड सप्लाई आपकी कम हो जाती है, हम लोग ऐसी कंडीशन में दे देंगे जब आपके वाइटल ऑर्गन्स को इम्प्रूव करना हो, ठीक है बेटा? ये समझ आ गई है सबको? जी मैम। यस मैम। ये मुझे ना अमाद बेटा आपने मुझे ना एक याद कराना है मैम, दो टेबल सेंड और नेक्स्ट ना हम लोगों ने डिस्कस करने हैं दो टेबल्स को। अभी मैसेज कर दूं या नेक्स्ट क्लास से पहले? बेटा अभी मुझे मैसेज भेज देना ताकि मेरे पास पेंडिंग बड़ा होगा ना, तो मुझे पता होगा कि मैंने आपको ना दो टेबल्स सेंड करने हैं। और मैम वीडियो, एक वीडियो भी आपने दिखाना, एक वीडियो का और एक इसका मुझे बताना, ठीक है? एक अभी बेटा लेक्चर खत्म नहीं हुआ आप लोगों का, थोड़ा सा जो है ना रिमेनिंग लेक्चर है। अच्छा ये तो आप सब लोगों ने पढ़ लिए थे एगोनिस्ट, ठीक है? अब हम लोग पढ़ने लगे हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है? एंटागोनिस्ट बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम। यस मैम। मेरी बात बताओ कि और ब्लॉक करेंगी तो क्या क्या इफेक्ट मिलेंगे जनरली बताओ? मैम हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, पुपल भी कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, पुपल भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ठीक हो गया? और लंग्स के ऊपर क्या होगा? ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। चलो अच्छा ये भी ना दो टाइप की होती हैं, एक होती हैं सिलेक्टिव और एक होते हैं नॉन सिलेक्टिव। मैम मैम उसमें सिलेक्टिव कौन सी वाली थी और नॉन सिलेक्टिव कौन सी थी? बेटा वो हम टेबल जब आपको नेक्स्ट लेक्चर में टेबल पढ़ाऊंगी ना तब उसमें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? थैंक यू। अच्छा अब इसमें भी दो तरह की होती है सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव, अभी के लिए इतना याद करो। सिलेक्टिव जो होती है ना वो सिर्फ एक ही रिसेप्टर पे एक्ट करती है, नॉन सिलेक्टिव होती है वो पूरे जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम है उसको ब्लॉक कर देती है, ठीक है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी होती है। अच्छा अब ये यूज हम कहाँ पे करते हैं? ये कार्डिक अरिदमियाज में यूज करते हैं। कार्डिक अरिदमियाज बेटा बीटा ब्लॉकर्स आपने पढ़े थे ना? जी मैम। कौन कौन से पढ़े थे जरा बताओ मुझे? जिसके एंड पे वो आपको समझ आ रही है कि हम ये कार्डिक अरिदमिया में क्यों देंगे? जी मैम। अरिदमिया में क्या होता है? कार्डिक रिदम चेंज हो जाता है, हार्ट बीट इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, ठीक है? तो अब आपने सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर दिया तो आपकी हार्ट बीट रेगुलर हो जाएगी ना? जी मैम। और आप इसको हाइपरटेंशन में भी दोगे? और बताओ हाइपरटेंशन में क्यों दोगे आप ऐसी ड्रग्स को?
मैम हार्ट रेट को इंक्रीज हुआ होगा तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमारे पास वो बीपी भी तो तेज और कम हुआ था उसको भी तो नॉर्मल करने के लिए दे सकते हैं उसको नॉर्मल करने के लिए हम दे सकते हैं। अब ये समझ आ गई है ना कि हम कार्डिक जब हमने सीवीएस पढ़ा था हमने जगह जगह बीटा ब्लॉकर्स क्यों पढ़े थे। यस मैम जी चलो ठीक हो गया। अच्छा अब हम लोग इसको एंजाइना में क्यों दिए थे मुझे ये बताओ। मैम ऑक्सीजन की डिमांड के लिए भी तो हमने पढ़ा था बीटा ब्लॉकर जो थे वो कम कर देते हैं क्योंकि हार्ट रेट कम कर देते हैं ऑक्सीजन जो होता है वो उसका लेवल कम हो जाता है लेवल कम होने की वजह से ये ऑक्सीजन डिमांड भी कम कर देते हैं ठीक है। अच्छा अब इसके साइड इफेक्ट बताओ कि आपके जेहन में क्या क्या आते हैं बीटा ब्लॉकर्स के साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। मैम अगर हार्ट रेट ज्यादा हुई हो तो उसको कम करता है हाइपोटेंशन हो जाएगी दैट्स वेरी गुड और ब्रैडीकार्डिया और क्या हो सकता है ब्रोंकियोल्स के ऊपर क्या एक्ट करता है। मैम एस्थमा में कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी ना कंस्ट्रिक्शन होगी। अब मुझे बताओ कि आपके पास एक मैंने जब मैं आपको बोलती रही हूँ बीटा ब्लॉकर हम एस्थमा में नहीं देते अब समझ आया क्यों नहीं देते। जी मैम यस मैम ठीक है। आपके पास कार्डिक पेशेंट आ जाता है ठीक है जिसको मतलब के कार्डिक अरिदमिया होगा लेकिन साथ उसको एस्थमा भी होगा आप बीटा ब्लॉकर प्रिस्क्राइब करोगे। नो मैम गुड हो गया ठीक है। ये छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट है ये याद है आप सबको। जी मैम बेटा ये चीजें याद करनी है साथ साथ मैं जब रिवीजन क्लास में आऊंगी ना जब मैं आपको बताऊंगी मैं आपको वहां पे सिर्फ यही बताऊंगी कि हम ये नहीं देते क्यों नहीं देते वाले चीजें आपको याद होनी चाहिए आप ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा अब उसके बाद आ जाता है कि नॉन सेलेक्टिव वर्सेस सेलेक्टिव क्या होता है। जो नॉन सेलेक्टिव होते हैं ना उनके भी इनहिबिटरी इफेक्ट होते हैं बीटा वन और बीटा टू के ऊपर ठीक है। तो जबकि जो सेलेक्टिव होते हैं ना वो सिर्फ एक ही रिसेप्टर्स के ऊपर जो है एक्ट करते हैं नॉन सेलेक्टिव बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री पे एक्ट करते हैं ठीक है। उसके बाद जो होता है ना जो आपके जो नॉन सेलेक्टिव होते हैं उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं ना वो थोड़े ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू योर क्लिनिकल इफेक्ट जबकि जो बीटा वन जो होता है ना उसके साइड इफेक्ट जो होते हैं ना वो कम होते हैं। बीटा वन बेटा हम बीटा वन रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं हार्ट के अंदर मैम हार्ट के मसल्स में मैम। बीटा वन हम जो होते हैं वो एस्थमा पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ना। यस मैम और बीटा टू के रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं मैम लंग्स के अंदर होते हैं स्मूथ मसल में होते हैं स्मूथ मसल्स में ठीक है। लोगों को ये चीज समझ आ गई कि बीटा ब्लॉकर में भी बीटा वन जो होता है ना वो एस्थमा में दे सकते हैं बीटा टू नहीं देते। फिर हार्ट में जो हार्ट वाले को हम बीटा टू दे सकते हैं हार्ट वाले को हम बीटा टू दे सकते हैं लेकिन हार्ट के साथ अगर उसको एस्थमा है ना तो हम उसे बीटा टू नहीं देंगे हम उसे बीटा वन दे सकते हैं क्योंकि बीटा वन जो होते हैं ना उसके जो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आपके लंग ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है सबको। नहीं मैम ये देखे ना अगर हार्ट उसका अगर एस्थमा का पेशेंट है तो उसको हमने बीटा वन देना है बीटा टू नहीं देना। अगर एस्थमा का पेशेंट है तो उसको हमने बीटा वन देना है बीटा वन देना है हाँ। और अगर एस्थमा का पेशेंट बेटा ये सिर्फ एस्थमा के लिए नहीं हम दे रहे हम तो बीटा रिसेप्टर्स जो होते हैं बीटा वन जो होते हैं वो आपके हार्ट के ऊपर एक्ट करते हैं तो हम उस पेशेंट को दे रहे हैं जो हाइपोटेंशन है या फिर जिसको कार्डिक अरिदमिया होगा और साथ में उसकी मेडिकल हिस्ट्री में मल्टीपल डिजीज होती है ना मल्टीपल डिजीज में वो एस्थमा का भी पेशेंट होगा तब देन वी विल गो फॉर बीटा वन रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स ठीक है। अगर हमारे पास पेशेंट आ जाता है उसको कार्डिक अरिदमिया हुआ हुआ है उसको सब चीजें हैं और साथ में उसको एस्थमा जो है वो नहीं है ठीक है तब हम उसको जो है ना हम बीटा टू दे सकते हैं और बीटा वन भी दे सकते हैं। और अगर जिसको एस्थमा है इन सब डिजीज के साथ तो हम उसको सिर्फ बीटा वन देंगे ठीक है समझ आई। जी मैम यस मैम।
उसके बाद ड्रग्स जो है ना ये आप लोगों ने बेटा सारी पढ़ी हुई है, प्रोपेनोलोल, ये मिनीप्रेसिन, पेराजोसिन, एटीनोलोल, मेटोप्रोलोल, ये सारी ड्रग्स पढ़ी हुई है ना। यस मैम। ये कहाँ पे, ये एंजाइना में आपने पढ़ी हुई है, अरिदमियाज में पढ़ी हुई है, हाइपरटेंशन में पढ़ी हुई है, ये हम उसमें देते हैं। इसके आपने साइड इफेक्ट वहां पे पढ़े थे, साइड इफेक्ट कौन कौन से आपने पढ़े थे बताओ। मैम वही हाइपरटेंशन, ब्रैडीकार्डिया वगैरह, ब्रैडीकार्डिया, पोस्टरल हाइपोटेंशन, विड्रॉल इफेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना हम लोगों ने ये देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो आपके एस्थमा होगा और कार्डिक ब्लॉक होगा वो फर्स्ट डिग्री का होता है, ठीक है। उसमें हम जो होते हैं ना बीटा ब्लॉकर, जो प्रोपेनोलोल है ना एक्चुअली ये जो है ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। ये आपके लंग्स पे भी और हार्ट पे भी, दोनों पे भी एक्ट करेगी। तो इसके लिए जब हम ये नॉन सेलेक्टिव देते हैं ना तो हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि दिल के मसले के साथ उसको कहीं दमे का मसला तो नहीं है। इसी तरह जो आ जाती है आपकी मिजोप्रेसिन आ जाती है, मिनीप्रेसिन आ जाती है, ये आपकी अल्फा ब्लॉकर जो होती है ये सिलेक्टिव होती है, ठीक है। ये सिर्फ हम लोग हाइपरटेंशन में देते हैं, साइड इफेक्ट वही आ जाते हैं, पोस्टरल हाइपरटेंशन, ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन, टायर्डनेस, ये आता है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाती है एटीनोलोल, ठीक है, और मेटोप्रोलोल, ठीक है। ये जो इनके नेम है ना टेरोमाइन और लोप्रेसोर, ठीक है, ये इनके जो है ना ये ब्रांड नेम है। असल में जो नेम है ना एटीनोलोल और मेटोप्रोलोल, ये साल्ट नेम है, आपने ये याद करने है, ठीक है। ये एटीनोलोल जो होती है और मेटोप्रोलोल जो होती है ना ये सिलेक्टिव होती है, ये बीटा वन होती है, बीटा वन है। तो बीटा वन जो होती है ना हम इसके लिए बीटा वन को देने के लिए हमें कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती कि बंदा दमे का मरीज है या नहीं है। ये हम हाइपरटेंशन में दे सकते हैं और एंजाइना में दे सकते हैं, ठीक है बेटा। ये समझ आ गई? यस मैम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारी जो होती है ना वो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग स्टार्ट होती हैं, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की वीडियो देखनी है, और एक हम लोगों ने आपके जो है ना आपको एक क्लासिफिकेशन का टेबल सेंड करूंगी वो हम लोगों ने पढ़ना है, और एक हम लोगों ने आपका पढ़ना है साथ में एक और टेबल होगा क्लिनिकल यूजेस का। जितने आपने यहाँ पे पढ़े हैं ना वो समराइज करके एक टेबुलर फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है बेटा, समझ आ गई? जी मैम। यस मैम। आज के लेक्चर में रट्टे लगाने वाली चीजें नहीं थी, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली चीजें थी। आज की और वीडियो तुम लोगों ने ये देखनी है, रिकॉर्डिंग देखनी है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ये वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें मैं आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करूंगी बल्कि आपने मुझे बताना है कि इधर दे रहे थे तो हम क्यों दे रहे हैं, ठीक है? ओके मैम। और यही लेक्चर जो होगा ना ये नेक्स्ट में रिपीट होगा, और साथ में जो है ना एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो है उनका इंट्रोडक्शन होगा, ठीक हो गया? जी मैम। और गाइस एनी क्वेश्चन? नो मैम। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो मैम। खैबर पख्तूनख्वा में उस वक्त में हूँ, तो वहाँ पे कभी कभार ना सिग्नल्स की प्रॉब्लम भी होते हैं, और मैं इस वक्त उसके साथ निकला हूँ, मतलब वो रेमंड मरकज के साथ ना निकला हूँ, तो क्या मैं अपनी प्रेजेंटेशन जो है ये सेकंड तारीख के बाद मैं सबमिट करवा सकता हूँ? मैम ने तो कोई प्रेजेंटेशन दी नहीं है। प्रेजेंटेशन नहीं है यार, ये वो जो वीडियो की वो है ना मैं आपको मेल सेंड कर दूंगा यार, वो इलेक्ट्रोथेरेपी की है भाई, मेरे इलेक्ट्रोथेरेपी की दी है मैम ने, वो वीडियो प्रेजेंटेशन है। हां हां वो इलेक्ट्रोथेरेपी की, फार्मा की तो दी नहीं है। फार्मा की नहीं बात, ये फार्मा की क्लास है। ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी, सॉरी कोई मसला नहीं, मैंने तो कुछ नहीं अभी आप लोगों को प्रेजेंटेशन दी, तो हम लोग सिलेबस कवर करने पे चले हुए हैं। और कोई बेटा क्वेश्चन हो? नहीं, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। ठीक है गाइस, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और कोई क्वेश्चन नहीं तो शुड आई लीव मीटिंग? यस मैम।
यस मैम।